السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه مسلم الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف بكم اذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم انتهى كلامه رضي الله عنه وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه العلم خير من المال فان المال يفنى والعلم يبقى وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله وكفى بالجهل عارا ان يتبرا منه من هو فيه तमाम तारीफ हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई हर ज़ाहरी और बातनी नेमत उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो अकेला खालिक है अकेला मालिक है अकेला राज़िक है और अकेला माबूद है उसके ज़ात की जैसी कोई ज़ात नहीं है उसके कामों के जैसे किसी के काम नहीं है उसके नामों के तरह किसी के नाम नहीं हैं उसकी सिफात की तरह किसी की सिफात नहीं है वो हर चीज़ में अकेला है बहुत प्यारा है उससे प्यारा कोई नहीं है बहुत रहम करने वाला है उससे ज़्यादा बंदों पर कोई रहम नहीं कर सकता है बड़ी अजीम उसकी शान है आसमान के सितारे ज़मीन के दरख्त उसको सजदा करते हैं वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान कायनात की हर शय उसकी तस्बीह बयान करती है وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا سبحان اللہ ما عظم شانه سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد ان گنت بے شمار لا محدود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی हर शर से हमें आगाह कर दिया एक ऐसा दीन दे गए जो क्लियर रोशन वाज़े है उसकी मिसाल खुद आपने हदीस में दी फरमाया तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा
मैं बड़े वाजे रोशन दीन पर तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, जिसकी रात भी दिन के जैसे रोशन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपके इस शहर बेंगलोर, आपकी इस मस्जिद खलीलुल्लाह में पहुँचाया, आपके आप भाइयों के दरमियान। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, खुश हो और हमारे इस अमल को और दीगर तमाम अमाल को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हर खैर पर हमें रखे, हर शर से हमको और पूरी उम्मत को महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। 45 मिनट का टाइम दिया गया है, पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वक्त में अपनी बात को मैं आप तक पहुँचाऊँ। बातें अहम हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको बयान करूँ। आपका काम, मेरा काम बताना है, समझाना है, आपका काम सुनना है, सोना नहीं है। सोएंगे तो समझ में नहीं आएगा, और ये तो मसला है असल कि उम्मत समझ नहीं रही है। और आज समझाना है, हमेशा समझाते आए हैं उलमा, मैं जैसा, मेरे जैसा एक तालिब इल्म भी आपके रूबरू मैं बैठा हूँ समझाने के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हम सबको क्यों पैदा किया है, क्या चाहता है अल्लाह ताला हम सबसे? अल्लाह ने पैदा किया हम सबको इबादत के लिए, अमल के लिए, खाना पीना, जिंदा माल कमाना, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। खाना पीना, घर बनाना, शादी करना और पैसा कमाना, ये ज़रूरत है ज़िंदगी की, इसके बगैर ज़िंदगी बाकी नहीं रह सकती, ज़रूरत है। मकसद क्या है ज़िंदगी का? ये ज़रूरतें पहुँचाई जा रही हैं, माल दिया जा रहा है, रिस्क दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, सांसें दी गई हैं, शादियाँ होती हैं, बच्चे अल्लाह देता है, घर बनाने की तौफीक अल्लाह देता है, रोज़गार पर अल्लाह लगाता है, ये सब ज़रूरियात है जो अल्लाह ताला हम तक पहुँचा रहा है। मकसद क्या, क्या चाहता है वो हमसे, क्यों पैदा किया उसने हमें इबादत के लिए? वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियबुदुन। मैंने जिन्नों को, इंसानों को, मखलूक बहुत हैं, हम जिन्स में, कौन सी जिन्स में से? इंसान में से। वमा खलकतुल जिन्न, एक मखलूक है जिन, जिन्नात, शयातीन, भगाना, मसले मसाइल, छोड़िए वो मौजू भी नहीं है, बोलना भी नहीं उसमें। इंसान, हम इंसान हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। कुरान पढ़ने से मालूम होता है अल्लाह की दीगर मखलूक इबादत करती है। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया वन्नजम वश्शजरु यसजुदान, सितारे सजदा करते हैं अल्लाह को, दरख्त सजदा करते हैं अल्लाह को, और वइन मिन शयइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करती है। तस्बीह बयान करना इबादत है, जी हाँ। सजदा करना इबादत है, जी हाँ। इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन अल्लाह, इंसान इबादत नहीं करता अल्लाह की, अमल नहीं करता है, बहुत कम करता है। वकुल इअमलू फसयरा अल्लाहु अमलकुम, कह दीजिए कि अमल करो, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखेगा। हम सबको अमल के लिए पैदा किया गया। तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क पढ़ते होंगे यकीनन, आप कुरान पढ़ते होंगे, सिर्फ रमज़ान में नहीं, हमेशा पढ़ते होंगे इंशाल्लाह। ये मेरा हुस्न अज़न है मेरे भाइयों के बारे में। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये भूलना नहीं है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये मेरा और आपका अकीदा है। आप और मैं जिस रब को मानते हैं ना, वो रब कह रहा है तबारक, बाबरकत है उसकी ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। वहुवा अला कुल्ली शैइन, समझ में आ रही बात क्या? वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखता है। हालात बदल सकता है अल्लाह, खौफ को अमन में तब्दील कर सकता है, सब कुछ। वहुवा अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर कुदरत रखता है। कौन कौन? अल्लाह, मेरा और आपका रब, खालिक है, अकीदा ये जी। तो फिर हम बदलें, हालात बदल जाएंगे, वो बदलेगा, उसका वादा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने मौत और हयात को पैदा किया। किसने? अल्लाह ने। मौत मखलूक, हयात जिंदगी मखलूक, ये जिंदगी है मेरी और आपकी, मौत भी मखलूक, हयात मौत, हयात के बाद मौत,
जिंदगी के बाद मरना है, जीना मरना जिसको कहते हैं। क्यों ये कश्मकश, ये सिलसिला जो चल रहा है, लोग जिंदा होते हैं फिर मौत हो जाती है, चाहे वो कोरोना में हो, उससे पहले हो, वायरस लगे तो हो, वायरस ना लगे तो हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, बचपन हो, कभी भी हो, मौत मुकर्रर है, मौत का वक्त अल्लाह ने लिख दिया है, मौत आएगी। ये क्यों है ये हयात और मौत का सिलसिला? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। देखिए अच्छा अमल अल्लाह आजमाना चाहता है, कौन जैद, बकर, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, खलुल्ला, आयशा, फातिमा, जैनब, उम्म कुलसूम, सब अल्लाह आजमाना चाहता है ये लोग अमल में कौन अच्छे हैं। तो अमल है और हम अमल करते हैं। अभी हमने ईशा पढ़ी, पिछले अभी रमज़ान का रोज़ा थे ना, उसके बाद ईद आई, कुर्बानी, ईद उल अज़हा, कुर्बानियाँ दी गई, हम अमल करते हैं, रोज़ा रखते हैं, अमल करना चाहिए। जो अमल नहीं करता है वो बेकार है, बेकार इंसान है, मकसद को नहीं समझा अपने ज़िंदगी का। अब सवाल ये है कि हम जो अमल कर रहे हैं हमारा अमल कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है? उम्मीद है, अभी ईशा पढ़े इमाम साहब के पीछे, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी नमाज कबूल होगी, रोज़े भी कबूल होंगे, उम्रा, हज, कुर्बानी, ज़कात, सदक़ात, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, इबादत कबूल होंगे। कोई कैसे हमें, अच्छा देखिए, इबादत कबूल होगी अल्लाह के यहाँ तो उसका अजर मिलेगा, हर इबादत पर अजर है, नमाज का एक अजर है, रोज़ों का अजर है, उम्रे का अजर है, हज का अजर है, मालूम है ना, मालूम है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इबादत कबूल होगी तो उसका अजर जो अल्लाह ने वादा किया वो मिलेगा, अगर कबूल ना हो तो। इबादत अगर मेरी और आपकी कबूल नहीं हुई, नमाजें रोज़े हमारे कबूल नहीं हुए, क्या बदला मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा, ये बुनियादी बात है, सबको मालूम है। एक चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं हुई तो कैसे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मालूम होगा किसी इंसान को कि उसका अमल कबूल हो रहा है, कबूल होगा? नहीं, उससे पहले एक और एक बार जुमला, अमल कबूल होगा तो अजर मिलेगा, कबूल होने के लिए अमल का सही होना जरूरी है, समझ रहे हैं ना बात को, मैं उर्दू बोल रहा हूं, आप उर्दू बोलते हैं, अमल सही होगा तो कबूल होगा, कबूल होगा तो अजर मिलेगा, करेक्ट? एक के बाद एक, अमल करना, सही करना, वो कबूल होगा, उस पर अजर मिलेगा। कैसे मालूम होगा मुझे और आपको कि मेरा और आपका अमल सही हो रहा है? नमाज मैंने सही पढ़ी, रोजे मेरे सही हैं, मैं जिक्र सही कर रहा हूं, मेरी इबादत सही है, मेरी जियारत सही है, मेरे उम्रे सही हैं, मेरा हज सही है, मेरी कुर्बानी सही है। ख्वाब, इशारे, अरबी में इशारा किसको बोलते हैं मालूम? सिग्नल को, बालों को इशारा मिलता कहते हैं, क्या बोल के उनकी ज़िंदगी के सारे आमाल कबूल हो गए, ये कौन सा इशारा है? ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता, इसकी कोई दलील नहीं है कुरान हदीस में। कैसे मालूम होगा किसी इंसान को कि वो जो अमल कर रहा है उसका अमल सही है, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, इत्मीनान चाहिए, सुकून कि मैं सही नमाज पढ़ा, मैं सही रोज़ा रखा, मैं सही। कैसे मालूम होगा, क्या तरीका है? लोग बोलेंगे, आसमान से आवाज़ आएगी, ख्वाब में कुछ इशारे मिलेंगे, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जिससे मैं और आप मुतमईन हो सकते हैं कि हमारा अमल सही है, क्या है वो? इल्म। जी वही, बस और कोई चीज नहीं। इल्म वाहिद दरिया है जिससे मुझे और आपको मालूम होगा कि मेरा वुजू, मेरी तहारत, मेरा गुसल, मेरी नमाज, मेरे रोजे, मेरी ज़कात, मेरी कुर्बानी, मेरा हज, मेरी तमाम इबादतें सही हो रही। बगैर इल्म के इंसान नहीं पता कर सकता है या उसको यकीन नहीं होगा कि उसका अमल सही हो रहा है। इसीलिए इल्म की अहमियत है। पहला काम है कि इंसान सीखे, उसके बाद अमल करे। सीखा ही नहीं तो करेगा कैसे? गलत करेगा, गलत होगा तो कबूल नहीं होगा, कबूल नहीं होगा तो फिर बदला ही नहीं मिलेगा, गई पूरी इबादतें जाए, सारी इबादत। भाई अल्लाह जैसे चाहता है वैसे मुझे और आपको इबादत करनी है, या हम जैसे चाहते वैसे करना है? अल्लाह जैसे चाहता, अब अल्लाह कैसा चाहता है यह इल्म है। अल इल्म क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, तो यहां से हमें मालूम होता है इल्म कितनी जरूरी चीज है। दीन का इल्म, हम बगैर इल्म के कैसे नमाज पढ़ेंगे? एक इंसान नहीं जानता है, बच्चा है, बड़ा हो गया, ठीक है, उसको नहीं मालूम सजदा, रुकू, क़याम कितनी रकातें, फिर पढ़ना क्या उसमें? क़याम अल्लाह अकबर बोलने के बाद अल्लाह अकबर बोलना, हाथ कैसे उठाना, हाथ कहाँ बांधना, क्या पढ़ना, रुकू कैसे, सजदा कैसे, मालूम ही नहीं है, कैसे पढ़ेगा नमाज वो बताइए आप मुझे।
पढ़ पाएगा वो नमाज सही नहीं। तो यहां से हमें इल्म की अहमियत मालूम होती है, इल्म जरूरी है, जरूरी दीन का, इसके बगैर इंसान सही अल्लाह की इबादत नहीं कर सके, इसीलिए इसकी ताकीद आई है। इल्म इबादत है, बल्कि इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि इससे इबादतें सही होती हैं। किससे? इल्म से। इल्म से इबादत सही होती है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी। इसीलिए कहा फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक, जान लो, इल्म हासिल करो, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, और अपने गुनाहों की माफी मांगो। कौल व अमल से पहले इल्म का बयान, कि इल्म हासिल करो ताकि कौल, देखिए हम जो करते हैं या तो बोलते हैं या तो अकवाल हैं या तो आमाल हैं, ज़ाहिरी और बातनी तफसील है उसकी। ये अकवाल जो हम बोलते हैं वो सही होने के लिए जरूरी है इल्म, और सबसे बड़ा कौल ला इलाहा इल्लल्लाह है, कलमा, कलमे तैयबा, शहादत। दुनिया का सबसे बड़ा सच ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कौल है ना, कौल ला इलाहा इल्लल्लाह, कौल बहुत है, ये बड़ा कौल है। अल्लाह कह रहा है इसको सीखो, किसको? ला इलाहा इल्लल्लाह को। अमल भी है, इस्तिग़फ़ार दम, गुनाहों से माफी मांगना एक अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिक, और अपने गुनाहों से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसको बाब दलील बनाई, आयत को चैप्टर बांधा, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, क़ौल व अमल से पहले इल्म हासिल करने का बयान। क्यों? इल्म से कौल और अमल दोनों सही होंगे, फिर कबूल होंगे, फिर अजर मिलेगा। अगर इल्म ही नहीं, जहालत है जिसकी इल्म के अपोजिट है, तो कौल गलत हो जाएगा, और ऐसा गलत हो सकता है कि इंसान का एक कौल उसको बर्बाद कर देगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है, एक बस्ती में एक बहुत बड़ा आबिद था, आबिद बोलो तो मालूम कौन, इबादत गुजार, आलिम बोले ना, मौलाना, आलिम बोले, जिसको हम लोग आपस जबान में मौलाना बोलते हैं, आलिम, आबिद इबादत, आबिद आलिम होना जरूरी है। बेंगलुरु वाले बहुत जहीन लोग, समझदार भी लोग। आबिद इबादत करने वाला, क्या जरूरी है कि वो आलिम भी हो? एक जाहिल भी इबादत कर सकता है ना, बेस क्या है इबादत की उसकी? जहालत। नहीं, जाहिल की भी इबादत, जाहिल की इबादत जहालत की बेस पर करेगा, वो देखा जो जैसे कर रहे हैं, वहां कंकरियां मारते तो कंकरियां मारते, चप्पल मारे चप्पल मार रहा है, जूते मारे जूते मार रहा, जो लोग बोल रहे वही बोल रहा, जो समय तो ना सही कोलू ना फकुल, तो कब्र में भी ऐसे ही बोलेगा, मैंने सुना लोगों से, मैंने वो कहा जो लोगों ने कहा। जब तीन सवाल होंगे उससे, पता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा क्या बोलेगा, समय तो ना सही कौलून फकुल, तो मैंने लोगों से सुना है वही बोला, इल्म नहीं हासिल किया, जो लोग बोले वो बोला। इस्तखारा देखना कहते, देखना कहते, इस्तखारा देखते कान से खाते, इस्तखारा देखते या करते, दो रकात पढ़ के दुआ करना है, इल्म नहीं है बोला, लोग बोलते हैं, सारी औरतें कहती इस्तखारा देखना, मैं भी बोली इस्तखारा देखना, मौल साहब जरा इस्तखारा देखो, तो मौल साहब ने कहा आप कान से खाओ, कान से कैसे खाते, कान खाने की चीज है, तो इस्तखारा क्या, देखने की चीज है, इस्तखारा करने की चीज है। तो मैं बता रहा था आपको, इंसान अल्लाह तबारक व ताला एक आबिद था, इबादत गुजार था, उसने बस्ती के इलाके के गुनहगार के बारे में क्या कहा, अल्लाह फलां को कभी नहीं बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, उस मोहल्ले के गुनहगार के बारे में क्या फतवा दिया, मालूम ना फतवा, नहीं मालूम, अरे कितने फतवे देते वही लोग, नमाज नहीं होती, इन्हों बकरा काटे तो हलाल नहीं, ये निकाह ख़त्म, वो सही ये गलत, उनका सुनना इनसे नहीं सुनना, क्या क्योंकि मसले तो बहुत, प्रॉब्लम्स इतने हैं कि एक बयान करूँ कि कितने बयान करूँ, मसले ऐसे हैं। तो बहरहाल उसने फतवा दे दिया, कहा कि इसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, किसको, एक बड़ा गुनहगार था, रहते ना गुनहगार लोग, बड़े गुनहगार लोग, उसके बारे में बोल दिया उसने, ये कौल था नहीं था, आबिद का कौल देखिए कैसे बर्बाद, एक जुमला बोला खाली, क्या बोला, सेंटेंस एक, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया बंदा मेरे बारे में फैसला करने वाला कौन होता है,
अल्लाहु अकबर, अल्लाह के बारे में बोल दिया, क्या बोला? अल्लाह फला को। और आपको मालूम है हमारे मोहल्ले में, हमारे मुआशरे में भी ऐसे लोग हैं, उन्हें जन्नत में जाता, उसको अल्लाह माफ करता। क्या बात है, उन्हें कभी नहीं जाता जन्नत में। खतरनाक जुमले, क्यों? इल्म की कमी, नहीं मालूम क्या बोल रहे। उसको अल्लाह माफ करता ऐसा बोलते, उसके बारे में बोल रहे, उसके घर में बच्ची देना। फतवे, बड़ी बड़ी बातें कर देते लोग, नहीं बोलना। अल्लाह अकबर, बोलने से पहले तोलना, सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं। उसने बोल दिया कि अल्लाह ने फरमाया बंदा कौन होता है मेरे बारे में फैसले करने वाला। अल्लाह ने कहा गफरतुहु अहबतु अमलक व गफरतुला, मैंने उसको माफ कर दिया। किसको? गुनहगार को। तेरी इबादतें मैंने जाय कर दी सारी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं लकद काल कलिमा, लकद काल कलिमा अफसदत दुनिया हुआ आखिरा आखिरता। एक ऐसा जुमला इस आबिद ने कह दिया कि जिस जुमले ने, एक इसके कलाम ने इसकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर दिया। क्या बोला वो? अल्लाह माफ नहीं करेगा उसको, या कैसे माफ करेगा अल्लाह उसको? अल्लाह ने कहा कौन होता है बोलने वाला? बख्शना नहीं बख्शना किसका काम? इंसान बोल सकता कि फलां को नहीं माफ करेगा? इल्म नहीं हो तो ये बात, इबादत गुजार था तो कौल बर्बाद कर देते हैं। क्यों? इल्म की कमी की वजह से। लेकिन इल्म वाला बोलने से पहले सोचता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। वह ऐसी बात नहीं बोलेगा जिससे अल्लाह नाराज हो। क्यों? इल्म रोशनी है। इल्म ना हो तो इंसान ऐसी बात बोलता है। जो अभी मैंने वाकया अबू किताब तौहीद में इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने इस वाक्य को नकल किया कि उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद। दुनिया कैसे बर्बाद हो गई? इबादतें अल्लाह ने जाय कर दी। आखिरत कैसे बर्बाद हो गई? इबादत जब दुनिया में जाय कर दिया अल्लाह, तो क्या उस इबादत का बदला देगा? अल्लाह नहीं देगा। और वो जो गुनहगार जिसके बारे में उसने कहा था, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसको चाहे या गफिरू ली हुई यशो, अल्लाह जिसको चाहे बख्शे। तो यहां से हमें अहमियत मालूम होती है इल्म कितनी जरूरी चीज है। इल्म से आपकी बात सही होगी, आपके अकवाल आपको बर्बाद नहीं करेंगे। इल्म होने से आप ऐसे बोल नहीं बोलेंगे जिससे अल्लाह नाराज होकर जहन्नम में फेंक दे। इल्म होने से आप ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह जहन्नम में आपको फेंक दे। इल्म की अहमियत है और इल्म जरूरत है हम सबकी। क्यों? इसलिए कि हमको जन्नत चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। जन्नत का रास्ता इल्म से आसान होता है। मशहूर हदीस है, आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलक तरीकन यल्तमिसु फी इल्म सहल अल्लाह लहु बिही तरीकन इलल जन्नत। हदीस मशहूर हदीस, जो इल्म हासिल करने के लिए निकले अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है, क्योंकि इल्म से रास्ता मिलता है जन्नत का। वरना क्या होगा? हक और बातिल का फर्क कैसे मालूम होगा? इल्म से। जन्नत का रास्ता या जहन्नम का रास्ता है कैसे मालूम होगा? तौहीद शिर्क सुन्नत बिदअत सही गलत जायज नाजायज हलाल और हराम, ये सब फर्क कहां से मालूम होंगे? इल्म, इल्म, इल्म। कौन सा इल्म? इंजीनियरिंग? हाँ, दुनिया का या दीन का? दीन का इल्म। तो क्यों ना हम दीन का इल्म हासिल करें, हमारी जरूरत है। इब्ने कय्यम, अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान को उसकी खाने पीने से ज्यादा, सांस लेने से ज्यादा इल्म की जरूरत है। पानी पिया मैं भी, आप भी पीते पानी, खाना खाते, सांस लेते, क्यों? ताकि जिंदा रहें। खाना पानी क्यों? ताकि जिंदा रहें। खाएंगे नहीं पिएंगे, सांस बंद तो मर जाए, वैसा भी एक दिन मरते हैं। खाए तो भी मरते, नहीं खाए तो भी मरते, पिए तो भी मरते, नहीं पिए तो भी मरते, सांस लिए तो भी मरते, सांस बंद करे तो भी मरते, मतलब एक ना एक दिन मौत होती। अगर इंसान खान, देखिए अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर इंसान खाना पीना सांस बंद कर दे तो उसकी जान खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इल्म नहीं हासिल करे तो जहन्नम में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्या ज्यादा जरूरी होगा? खाना पीने से ज्यादा जरूरी। और खाना पीने के लिए हम माल कमाते हैं, उसके लिए हम तालीम हासिल करते हैं दुनिया की, ताकि इस दुनियावी तालीम से, पहले एमबीए था, पहले एमबीए एमसीए एमकॉम नहीं था, पहले पुरानी बात, आज से 30 साल 4 साल नए नए कोर्स आए, नई नई चीज़ें। क्यों? क्योंकि दौरे हाजिर की एक ज़रूरत है, वो उस इल्म की, दुनियावी इल्म की आज एक ज़रूरत है, तो इसलिए वो इल्म हासिल किया जाता है। ठीक है, गलत नहीं है, डिग्रियाँ लीजिए आप, दुनियावी उलूम हासिल कीजिए, क्योंकि उसके ज़रिए रिस्क का एक रास्ता खुलता है इंसान के लिए, नौकरी मिलती है, रिस्क मिलती है, तो ये एक ज़रूरत है। उसके लिए पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं जहन्नम से बचने के लिए। अभी दूसरी जगह पढ़ाए ना आप,
उसमें आपने आयत पढ़ी ना, या अय्युहल लदीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपनी जानों को और अपने घर वालों की जानों को जहन्नम से बचाओ। कैसे बचाएंगे बगैर इल्म के जहन्नम से? हम जन्नत का रास्ता ही नहीं मालूम, सही गलत की पहचान ही नहीं है, कैसे मैं और आप खुद को, अपनी जानों को और अपने घर वालों की जानों को जहन्नम से बचा सकते? नहीं बचा सकते। तो अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इल्म इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे आप जहन्नम से बच जाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इल्म जरूरी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इल्म माल से बेहतर है, इल्म की बड़ी फजीलत है, बल्कि उससे पहले आयतें मौजूद हैं, हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं वो लोग जो इल्म हासिल नहीं करते, दोनों बराबर हो सकते हैं? रब वकुर रब्बी ज़िदनी, ए मेरे रब मुझे ज्यादा इल्म। अल्लाह देखिए, नबियों को भी इल्म की जरूरत है, पैगंबरों को भी इल्म की जरूरत है, पॉइंट सुनिए, पैगंबरों को भी इल्म चाहिए। अल्लाह सबसे बड़े पैगंबर, हम सबके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है, वकुल कह दीजिए, क्या कहूं, क्या मांगू, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे ज्यादा इल्म अता कर। नबी नबी को अल्लाह कह रहा है, आप मांगो किससे, मुझसे मांगो, ए मेरे रब ज़िदनी इल्मा, मुझे ज्यादा इल्म अता कर, क्योंकि इल्म जितना ज्यादा होगा वो खैर ही खैर। किसी और चीज के लिए मांगने के लिए नहीं कहा, ज्यादा इल्म के। इससे मालूम हुआ उलमा भी इल्म के मोहताज हैं, अंबिया भी, अंबिया को भी इल्म की जरूरत है, इसीलिए उन लोगों ने अल्लाह से इल्म मांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह ऐसा इल्म दे जो नफा पहुंचाए, और ये तो मांगा, इल्म मांगा, और ऐसा इल्म जो नफा ना दे उससे पनाह भी तरफ की अल्लाह की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से बचा जो नफा ना दे। अभी हम सूरह फातिहा में इमाम साहब के पीछे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ी अच्छी क़िरात थी, बड़ी आयतें पढ़ी इन्होंने, हर आयत अल्लाहु अकबर समझने वाली, गौर करने वाली है, अल्लाह से डराने वाली। हर रकात इन्होंने चार रकात पढ़ी, दो रकात में जहरी जैसा जानते हैं, सूरह फातिहा पढ़ी, हम भी पढ़े ना, मालूम है मसला, सुन्नतों में भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जनाजे की नमाज में भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते सुन नफिल में पढ़ते? आपको मालूम है सूरह फातिहा में एक बहुत बड़ी दुआ है, किस चीज़ की दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में नहीं है वो दुआ, अर रहमान अर रहीम में भी नहीं है, मालिकी यौमिद्दीन में भी नहीं है, इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन में भी नहीं है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में, सीधे रास्ते की हिदायत। अल्लाह से मांगते हैं हम कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, और ये सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, इनाम याफ्ता लोग, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन अन्नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। तो बगैर इल्म के सीधा रास्ता कैसे मिलेगा इंसान को, आप बताइए मुझे, एक इंसान को रास्ते ही नहीं मालूम कैसे चलेगा वो? अच्छा खाली रास्ता नहीं है ना, हम खाली रास्ता नहीं मांग रहे अल्लाह से, क्या मांग रहे, सीधा, इसका मतलब टेढ़े हैं, नहीं है तो फिर अल मुस्तकीम क्यों है? सिरात की सिफत है मुस्तकीम, इसका मतलब गैर मुस्तकीम रास्ते हैं दुनिया में, लेकिन मुझे और आपको क्या चाहिए, मुस्तकीम रास्ता, सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ता बगैर इल्म के मिलेगा? चलिए उस सीधे रास्ते के आगे देखिए, सहाबा का मनहज जो हमें मालूम होता है, इनाम याफ्ता लोग, अल्लाह उन लोगों का वो रास्ता ना जिसको मैं सीधा समझ लूं। भाई बेंगलुरु वाले एक रास्ते को दीन के सीधा रास्ता समझ रहे हैं, हमारे पास हैदराबाद वाले एक रास्ते को सीधा, केरला वाले इसको नहीं, ये सीधा नहीं था, वो आप लोग उसको सीधा समझते, ये है सीधा रास्ता, ये बेंगलुरु वालों का रास्ता, ये हैदराबाद वालों का रास्ता, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मालूम बदले, सब सही, सब सही, सब सही, कैसे बात खत्म नहीं है यहां पर, अल मुस्तकीम पर बात खत्म नहीं हुई है, दुआ खत्म नहीं, सूरा खत्म नहीं है, आगे भी आयत है, और वो आयत क्या है, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। मतलब कुछ लोग इस रुए जमीन पर आकर गए, जिन लोगों ने उस रास्ते को अपनाया, चले उस रास्ते पर, तो अल्लाह ताला खुश होकर अल्लाह ने उनको इनामात दिया, इनामात दिए। वो कौन लोग हैं,
القرآن يفسر بعضه بعضا ومن يطع الله دوسي آيات پڑھئے انعام یافتہ لوگوں کی خبر معلوم ہوتی ہے کون لوگ ہے بھئی انعام یافتہ لوگ کہ اللہ کا انعام ملا ان کو ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعمت علیہم یا فأولئك مع الذين أنعم الله اللہ نے انعام کیا نبی صدیقین انبیاء صدیقین شہداء صالحین انبیاء صدیقین شہداء صالحین صحابہ ہیں نہیں ہیں صحابہ ہیں ان کا راستہ کیا ان کو تو ان کے وہ لوگ ان کے راستے کو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے سمجھ رہے ہیں نا بات کو اہدنا صراط صراط الذین انعمت علیہم اچھا ان کو جو انعام ملا بغیر علم کے اب آئیے ذرا ان کے راستے بھائی وہ کیسے صراط مستقیم پہ تھے تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں ایسے ہی نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راستہ دکھایا صحیح ہے نہیں اللہ کا راستہ دین کا راستہ اسلام کا راستہ صحیح ہے نہیں تو اس راستے کو دیکھے سمجھے دیکھیں یتلو علیہم آیاتی قرآن اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا ان کو اس کی تفسیر بیان فرمائی کلام اللہ کو سن رہے ہیں سن رہے سب سونا نہیں ہاں اٹھا کے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر پہلے کون سی آیت پڑھا تھا میں نہیں سنا سخت منع ہے سنا گھر میں جا کے سو جانا پروگرام ختم ہونے کے بعد بالکل جا کے سنا جائے اگر تام وام کا انتظام نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہاں نہیں نہیں سنا سخت منع ہے آپ بتائیے میٹنگ میں سوتے رشتے کی بات چل رہی سوتے وراثت کا مسئلہ جائیداد کی بات چل رہی گھر میں ابا اما سب بیٹھ کے کیا ہے بھائی کیا مسئلے شریعت سوتے پھر یہاں کیسے سوتے مجال ہے جو سوئے ان شاء اللہ اٹھاؤں گا پوچھوں گا میں بولیے علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا حضرت اس کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ کا قول پوچھ لوں گا اسرات المستقیم کے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں جو ذکر ہے دوسری آیت میں وہ کون لوگ انعام یافتہ لوگ یہ سوالات کروں گا میں انشاءاللہ نظر اگر پڑ جائے کسی کی آنکھ بند ہو رہی ہو تو سو بی کیئرفل ہاں انشاءاللہ ہوشیار رہی تو یہاں انعام یافتہ لوگوں کے ٹھیک ہے سرات المستقیم اہدنا سرات المستقیم ہم اللہ سے ہدایت کا راستہ ہوں اب یہ لوگ جو انعام یافتہ لوگ ہیں یہ انہوں نے علم حاصل کیا پہلے یتلو علیہم آیاتی ہمارے نبی اسلام قرآن جو مصدر ہے فرسٹ سورس آف دین ہے اسلام ہے اس کو پڑھ کر سناتے تھے آیتوں کو انہوں نے اللہ کا کلام سنا سنے نہیں سنے اللہ کی مراد کو جانا کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھے میری طرف سے گفٹ بنگلور والوں کو فری یہ جملہ جو علماء نے سلف نے کہا ہے کیا دین کیا ہے ہمارا منہج کیا ہے کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا یہ علم ہے سمجھنا کلام اللہ کا مراد کس کی اللہ کی شونا تمہاری نہیں ہونا ہماری نہیں ہونا کلام اللہ کا کہتے ہیں مطلب ان کا کہتے ہیں ایسا کیسا بھائی جس کا کلام اس کی مراد اللہ نے یہ بات کیوں بیان فرمائی ہے اب کلام اللہ مراد اللہ یاد رکھنا کلام اللہ مطلب قرآن قرآن یہ آیتیں جو پڑھے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کیا ہے کلام اللہ ہے کلام اللہ مراد اللہ اب کون بتائیں گے مراد اللہ جنہوں نے کلام اللہ بتایا کون جن پر کلام اللہ اترا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے مراد اللہ کو انہوں نے صحابہ کو کلام اللہ پڑھ کر سنایا اور مراد اللہ بھی سنایا 45 منٹ ہے اس لیے تفصیل نہیں ہے ورنہ مثالیں دوں گا دے سکتا تھا جس سے ظلم والی وہ جو آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون ایمان لا کر جنہوں نے اپنے علم کو ذرا دم تیز بول رہوں گا کیونکہ وقت میں ختم کرنا ہے مجھے ٹھیک ہے یا 5-10 منٹ بڑھے تو چلتا کلام اللہ کو مراد ہم اس کی مثال دیکھیے ایک آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا انہی کے لیے امن ہے وہی ہدایت یافتہ ہیں آیت اتری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے نبی وسلم کے پاس یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی دو کام کرنے والوں کے لیے دو انعام نمبر ایک ایمان لانا نمبر دو ایمان کو کس سے بچانا بولیے بھائی ظلم سے بچانا اب یہ دو کام کرنا ہے ایمان لانا ظلم سے بچانا دو کام کرنے والوں کے لیے دو فائدے دو بینیفٹ دو اجر کیا اولئک لہم الامن شانتی امن پیس
दुनिया और आखिरत का, वहुम मुहतदून, और वो लोग हिदायत याफ्ता होंगे। अब उन्होंने ये कहा कि या रसूलल्लाह ईमान तो लाए लेकिन जुल्म हो जाता है, जुल्म मतलब जुल्मुन नफ्स, हमसे ज़लमू अनफुसहुम, जुल्मुन नफ्स क्या है, गुना, हमसे गलतियां गुना हो जाते हैं, तो क्या हमारे लिए अमन नहीं है, हम हिदायत पर नहीं है। कलामुल्लाह उतरा, समझ में आ रही नहीं बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लैसा कमा तज़ुन्नून, आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। इस जुल्म से मुराद आम जुल्म नहीं है, एक खास जुल्म है और उसको बोलते हैं शिर्क। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से भी समझाया, आपने नहीं सुना जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, कहा या बुनई, ऐ मेरे बेटे, आज की नसीहत अलग रहते बेटों को, वो भी एक बाप था अपने बेटे को क्या नसीहत, या बुनई अला तो शिरक बिल्लाह, बेटे अल्लाह के साथ कभी शिर्क नहीं करना, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरादुल्लाह बताया नहीं बताया, क्योंकि जुल्म जो लफ्ज़ है ना, अरबी में जाइए डिक्शनरी खोलिए, जो अरब दा हैं जो अरबी जबान जानते हैं, जुल्म के कई मीनिंग आते हैं। मैं अगर कोई गलती करूँ गुनाह करूँ आप, ये भी जुल्म है। मैं आपकी ज़मीन छीन लूँ, आपका पैसा छीन लूँ, ये भी क्या है, जुल्म है। जुल्म डिफरेंट माने में आता है। अब यहां इस आयत में किस माने में है मुरादुल्ला, कलामुल्ला, मुरादुल्ला कौन बताए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा को समझ में आ गया, इत्मीनान हो गया, चले गए, हाँ चलो ये जुल्म से तो बचे हुए हैं शिर्क से, समझ में आई बात। तो इससे हमें उन लोग, अब ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो मैं और अगर आप चाहते हैं कि हमें हिदायत हो, सिरात मुस्तकीम हमें चाहिए, तो ये लोग जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर हमको चलना होगा। और इनका रास्ता क्या था, ये लोग दीन को समझे, इल्म हासिल किए दीन का, कलामुल्लाह को मुरादुल्लाह पर समझे, कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर समझे, अपने मतलब से नहीं। क्यों नो क्या प्लांट्स लगा दे तो हम जो है फूल डाल रहे ऊपर, मालूम ना वाक्य। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा, दो कब्र वालों के पास से गुजर हुआ, कहा एक चुगलखोर था, चुगलियों से नहीं बचता, दूसरे पेशाब के खतरों से नहीं बचता था, तो नबी सल्लम ने वो किया ना, तो उसको, ये तो हदीस है, नबी सल्लम का कमाल है, इसको कैसे समझे आज, फूला चढ़ाना, खबर में अजाब नहीं होता हमारे मैयत को, किधर जा रहे भाई, कैसे समझे, साहबा ऐसी समझे, ये मुराद रसूल है, फैल रसूल या कौल रसूल का ये मुराद ले रहे आप, बात समझ में। तो इल्म, इसको इल्म, ये इल्म से हासिल होता, मुराद जानना, दीन को समझना, साहबा ने समझा, अमल किया, अल्लाह के यहां इनाम के हकदार हुए, अल्लाह ताला राजी हुआ उनसे। والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها الله اكبر ये इनाम मिला इनको। और क्या इनाम मिला इस आयत में, क्या अल्लाह की रजा मिली उनको, अल्लाह राजी हो गया उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने दीन को समझा, दीन का इल्म हासिल किया, मुरादुल्लाह मुराद रसूल को समझा, तफक्कुफ़ दीन है, उसके बाद अमल हुआ, अपने रब को राजी कर लिया। और वअद्द लहुम जन्नत, अल्लाह वादा कर रहा है इनके लिए, अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। और इस आयत पर गौर कीजिए, इसमें मुहाजिर और अंसार का जिक्र है, तीसरे और भी है उसमें, मैं और आप सब आ सकते हो, वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिहसान, जो लोग इनकी बेहतर तरीके से पैरवी करेंगे, इन लोगों ने दीन को समझ कर अमल किया, तो बाद वाला क़यामत तक आने वाला उम्मती जब दीन को समझेगा और अमल करेगा, अल्लाह उससे भी राजी हो जाएगा, उसके लिए भी जन्नत, उसके लिए भी जन्नत। लेकिन अगर किसी ने इनका मनहज छोड़ा, सहाबा का क्या मनहज था, इल्म के बाद अमल या बगैर इल्म के अमल, वमन युशाक्किक रसूल मिन बाद मा तबयन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, जो रसूल अल्लाह की मुखालिफत करेगा हिदायत का रास्ता वाज़ेह हो जाने के बाद, और सबीलुल मुमिनीन मनहजे सलफ सहाबा के मनहज को छोड़ेगा, कोई और मनहज, कोई और रास्ता अपनाएगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, जो रास्ता उसने अपना लिया अल्लाह ताला उसी पर उसको लगा देगा, वो नुस्लिही जहन्नम, और जहन्नम में हम उसको फेंक देंगे, वो सात मसीरा। इसका मतलब सहाबा के मनहज को छोड़ने से जहन्नम की वईद आई है। और सहाबा का मनहज में देखिए, इल्म, तफक्कुफ़ दीन, फिर अमल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में बयान फरमाते हैं, मैंने उससे पहले एक आयत पढ़ी, सुभान अल्लाह, इस आयत में अहमियत देखिए, इल्म की अहमियत, और इल्म वाजिब है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि शायद में, फलौलाना फरा मिन कुल्ली फरकतिन मिनहुम ताइफा लियतफक्कहु फिद्दीन वलियुंदिरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। एक जमात होनी चाहिए, सब ने निकले अल्लाह के रास्ते में, एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो दीन को समझे,
ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة कुछ लोग होने चाहिए जो दीन को समझें, समझना दीन को. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ और जब लौट कर उनकी कौम वापस आए तो उनको समझाए, जाएं और दीन को समझें. समझ कर क्या करें, आकर लौट कर अपनी कौम को समझाएं. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ शायद के कौम डर जाए आखिरत से. मालूम हुआ इस आयत की रोशनी में, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم والتفقه في الدين. دين کو سمجھنا, علم طلب کرنا واجب ہے, اس کی یہ دلیل ہے یہ آیت کریمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, اللہ تعالی جس کے لیے, سنیے حدیث سنیے, اللہ تعالی جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے. میں سوال کرنے والا ہوں ابھی, ہاں سنیے حدیث کو. اللہ تعالی جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے اللہ اس کو دین समझाता है. क्या मतलब, अल्लाह ने अगर किसी के लिए खैर का इरादा कर लिया तो अल्लाह ताला उसको क्या करता, दीन समझा. इसका मतलब अगर कोई दीन समझ रहा है तो खैर पर है, राइट. अगर कोई दीन नहीं समझ रहा, मसला बड़ा खतरनाक है. एक आदमी को दीन समझ भी नहीं आ रहा, तफक्को नहीं है, खैर पर है वो, क्यों, मैं युरीदिल्लाह, अल्लाह चाहना आपको खैर पर रखना. अल्लाह अकबर. लिहाजा अल्लाह से मांगिए खैर कि अल्लाह हमको दीन का इल्म दे, दीन की समझ दे. और ये असल है, असल हर चीज की, दीन को समझना. आज प्रॉब्लम क्या है, हर दौर में उठा के देखिए, पूरी पूरी हिस्ट्री देखिए, इस्लामिक हिस्ट्री, खवारिज, मुर्जिया, कदरिया, जहमिया, मुतजिला, फिरके आए नहीं आए गुमराह. क्या वजह थी भाई गुमराही की, गैर अल मखदूब अलैहिम वल अद्दालीन, इनाम याफ्ता लोगों का मनहज छोड़ा. वो लोग इल्म हासिल किए, अल्लाह के दीन को समझे, अमल किए, सिरात मुस्तकीम पे रहे. तो हम वो रास्ता उनसे मांगते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, गैर अल मखदूब अलैहिम वल अद्दालीन. जो लोग रास्ता मालूम करके नहीं चले, या रास्ता मालूम ही नहीं था, समझा ही नहीं रास्ते को, चल पड़े तो भटक गए, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं ऐसे लोगों से. वल अद्दालीन, और उम्मत की गुमराही के जो असबाब हैं, ये गुमराह फिरके जो दुनिया में आए, हिस्ब अहज़ाब, खवारिज जो खतरनाक किस्म का एक फिरका था, क्या वजह थी बताइए, इबादतें नहीं थी. एक खारजी को पकड़ के जब मारा गया तो उसने कहा मेरी जबान मत काटना, इस पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता है हमेशा. खारजी, खवारिज, उस्मान रजी अल्लाह उनको कत्ल किया नहीं किया, खवारिज, इल्म सही नहीं था. क्यों, इल्म का जो मस्दर है अहले इल्म, सहाबा से उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, जो अभी बताने जा रहा हूं. कुछ मिनट उस पर भी गुफ्तगू करनी है मुझे, क्योंकि ब्रदर्स वगैरह बहुत फितने हैं ना उसके, इसलिए वो भी बोला कि इल्म किससे लेना भाई, ये इल्म हासिल करना, अल्लाह अकबर. लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस चीज को समझें कि इल्म की जरूरत हर दौर में है रही. गुमराहियों से बचाने वाली चीज इल्म, जन्नत का रास्ता दिखाने वाली चीज इल्म, इबादत सही होने का तरीका मालूम होना या इबादत सही होना होती है इल्म के जरिए. और इल्म इंसान को गुमराहियों से बचाती है और फितनों से बचाती है. फितना जब शुरू होता है इल्म वाले उसको जान लेते हैं, फितना जब खत्म हो जाता है जाहिल उसको पहचान लेते हैं. अली रजी अल्लाह तआला के कौल मैंने नकल किया, अली रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि इल्म की फजीलत पर बड़ा अच्छा कौल है. अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं इल्म शरीफ इबादत है, इल्म इतनी अच्छी चीज है, उसको समझने के लिए बस इतना समझो जिसके पास इल्म नहीं होने भी दावा करता कि मेरे पास इल्म है. और जहालत इतनी बुरी चीज है, उसको समझने के लिए देखो कि जिसके अंदर यह है वो सुनना उसको पसंद नहीं है. क्या मतलब, नहीं समझ में आया, छोटी सी मिसाल समझ. एक दोस्त है किसी का, इल्म नहीं है उसके पास, आलिम नहीं है, आलिम नहीं है. अब उसका आप तारुफ करा रहे हैं, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, खैर, ये कौन है, ये मेरे दोस्त हैं, जैद है नाम है, बहुत दिन का इल्म है इनके पास. उन्हें खुश हो जाता, अच्छा करा बोले मेरे बारे, नहीं है उसके पास इल्म, लेकिन उसको आलिम बोले, ये मौलाना है, ये शेख साहब हैं, ये इनके पास इल्म है, खुश होते नहीं होते, नहीं है ना इल्म का खुश हो रहे. आप आलिम हैं, नहीं है, फिर आलिम बोले तो खुश क्यों हो रहे, समझ में आ रहा, नहीं, क्योंकि इल्म का शरफ है ये. अच्छा, जाहिल को जाहिल बोले तो गुस्सा आता, मैं हूँगा तू बोला कहीं को बोलता, अरे भाई तू जाहिल है ना, बोलो ये मिलिए बकर साहब, जाहिल साहब,
जाहिल है आलिम, अच्छा आलिम बोलो खुश होता, आलिम नहीं है तो आलिम बोले तो खुश होता, जाहिल को जाहिल बोले तो गुस्सा आता। तो इससे क्या मालूम हो रहा, जहालत मजीमत है, बुरी चीज है। इल्म बहुत बड़ी अच्छी चीज है, इल्म माल से बेहतर है, माल खत्म हो जाता है इल्म। शेख उलिस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनके शागिर्द अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह का कॉल मैंने नकल किया, कहाँ है इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह, है व्हाट्सअप नंबर कुछ नंबर हो, अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहाँ है, कब्र में। इल्म यबका, यह सदक़े जारिया है, इंसान चला जाता इल्म छोड़ कर जाता, उसके इल्म से लोग मुस्तफीद होते हैं। अल्लाह अकबर। तीन चीज़ें जानते हैं ना हदीस, आदमी जब मर जाता है सारे अमल खत्म सिवाय उसमें एक इल्म है या नहीं है जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इल्म नफा हो, नफा बख्शो, और उसका नफा यह है कि आप उस पर अमल करें और लोगों को उसकी तरफ दावत दें। इल्म शरफ है, शरफ। इल्म किससे हासिल किया जाएगा, उलमा से हासिल किया जाएगा। तो फिर उलमा का मुकाम हुआ या नहीं हुआ, हमारे पास होंगा उन्हें मौलाना, मैं क्या करूं, होंगा ये वर्डिश निकाल देना पड़े, उन्हों है एक आलिम दीन। उलमा का मुकाम नहीं है, एहतराम नहीं है, किससे उम्मीद करें, वो लोग जो किताब और सुन्नत के हामिलीन हैं, जिनका अकीदा अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक है, उनसे उम्मीद नहीं करेंगे हम कि वो उलमा की कदर करें। इल्म की कदर उलमा की कदर है। इल्म क्या है, काल अल्लाह काल रसूल, अल्लाह ने जिनको मुकाम दिया मैं और आप मुकाम नहीं देंगे उनको, लाइट लेंगे, इग्नोर करेंगे, बेइज्जत करेंगे ना उस बिल्ला, अल्लाह ने उनको मुकाम दिया। अल्लाह ने कहा हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं वो लोग जो इल्म हासिल नहीं करते, दोनों बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया यरफअल्लाहु लदीन आमनू मिनकुम वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला उनको सर बुलंद करता है जो ईमान लाते हैं। वल्लदीन ऊतुल इल्म, जिनको इल्म दिया गया, इल्म कौन देता है, किसकी तौफीक से मिलता है, अल्लमल इंसान, अल्लाह देता ना इल्म, अल्लाह सिखाए तो इंसान सीखता है, अल्लाह समझाए तो इंसान समझता है। अभी हदीस पढ़ा ना, मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु, हाफिज ने बोला था अल्लाह, तफक्कुह फिद्दीन एक चीज़ है, एक चीज़ आपको आयत मालूम है, क्या समझे आयत आप, ब्रदर्स का ये प्रॉब्लम है, आयत मालूम, हदीस सुनाता है, एक आयत सुनाता, वो उल्टी पलटी कैसे भी सुनाता, क्योंकि उस्ताद ही नहीं है ना, प्रॉब्लम क्या है, उस्ताद नहीं है, फिर वो है चर्ब जबानी है, फैन फॉलोइंग है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब पे मशहूर हैं, उस्ताद कहीं कहाँ पढ़े, कुरान पढ़ लिए, सेल्फ स्टडीज, मैं आ रहा हूँ उसकी एक मिसाल लेकर आपकी खिदमत में अभी थोड़ी देर। तो इल्म उलमा से हासिल किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए सिलसिला देखिए हमारे पास, इल्म अल्लाह की तरफ से आया, जिब्रील सलाम लेकर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने कुरान सिखाया, सहाबा के उस्ताद कौन, ताबईन के उस्ताद कौन, तबे ताबईन के उस्ताद कौन, एक आलिम लाइए किताबें ढूंढ कर, आप एक आलिम का नाम लेकर आइए जिनका कोई उस्ताद नहीं थे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, अरे भाई उनके भी उस्ताद हैं, किधर है आप, खाली बोल दिए तो हो जाता क्या। इल्म अल इल्म बिताल्लुम, इल्म उलमा से सीखा जाएगा, और उलमा का मुकाम है, अल्लाह ने उनका मुकाम दिया है। वल्लदीन उतुल इल्म दरजात में बता रहा था, उसके बाद ये पॉइंट पे आता हूं, चंद मिनट में बात खत्म हो रही है मेरी, पांच मिनट में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जिनको मुकाम दे रहा और कह रहा वल्लदीन उतुल इल्म दरजात, जिनको इल्म दिया गया उनके दरजात हैं, उनका मुकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में उनको वरसतुल अंबिया जिक्र कर रहे हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं, अंबिया के इल्म के, उनके दिरहम और दिनार के नहीं। तो हमारे पास कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई मुकाम नहीं। और वो लोग जो शिर्क में मुलविस हैं, वो लोग जूते पहने नहीं देते उलमा को, हम पहनाते उस्ताद, जरा ओवर कर देते वो लोग, उनके पास इल्म नहीं है। तो वो लोग जो है एहतराम ताजीम जरा ज्यादा कर देते, किसकी, वो लोग जो शिर्क के दाई हैं, किताब और सुन्नत के दाई, उलमाए हक, उलमाए रब्बानीन, उनका कोई मुकाम नहीं है हमारे पास, कोई अहमियत नहीं है हमारे पास। इसका मतलब इल्म से मोहब्बत नहीं है आपको, जिसको इल्म से मोहब्बत होगी वो उलमा से मोहब्बत करेगा, क्योंकि उलमा इल्म, जिसको इल्म का अदब होगा वो उलमा का अदब करेगा, जिसको इल्म से लगाव होगा उसको उलमा से लगाव होगा, जिसको इल्म का एहतराम होगा उसको उलमा का एहतराम होगा। अल्लाह से डरिए भाई, कौन हमें बचाएंगे फितरों से, अल्लाह के फजल के बाद उलमा है। यहिया इब्ने मुआद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमा सितारों के मानिंद है, यहिया इब्ने मुआद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमा सितारों के मानिंद है, सितारों से लोगों को रोशनी मिलती है, उलमा से इंसान को रास्ता मिलता है।
बताते हैं ये गलत, ये शिर्क, ये बिदत, ये इनहराफ है मनहज में, ये जहालत है, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, कौन बताने वाले? पारिसी ने अंबिया उलमा, हम उनकी कदर नहीं करें, उनकी गलतियां। अच्छा, इल्म का मुकाम अल्लाह ने बताया, इसका मतलब उलमा का मुकाम है। अब जो उलमा थे, क्या उनसे गलतियां नहीं हुई? पास्ट में जितने उलमा थे, किसी से कोई फरिश्ते थे पूरे उलमा? फरिश्ते तो नहीं थे ना, इंसान थे ना, बशर थे ना, तो बशर से गलतियां होती नहीं होती? होती। अगर किसी आलिम से गलती हो गई तो आप उसके उसको इतना बदनाम कर रहे हैं कि लोग जो है उसके इल्म से मुस्तफी नहीं हो रहे। गलती मालूम हो जाए तो छुपाना नहीं है, सतर नहीं है हमारे पास, नुसूस नहीं है हदीसों में कि जो सतर करेगा, ऐब को छुपाएगा अल्लाह उसके ऐबों को दुनिया और आखिरत में छुपाएगा, नहीं है मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बाबू सितर नहीं है क्या कुछ है? फिर हमारे पास उलमा की क्यों कदर नहीं है? अल्लाह से डरे मेरे भाई, उलमा की कदर करें भाई, इनके पास इल्म है, ये गिनती के हैं, चंद है। ये शहर कितना बड़ा है, बेंगलुरु कितने उलमा हैं? 50-100, मैं एक अंदाज से 200-500 है, इतने हजार लाखों लोग हैं, कौन है जो इनको रास्ता दिखाएंगे? उलमा है, उनको ही बदनाम कर देंगे तो ये दुश्मन की चाल है ताकि दूर हो। जो उलमा से दूर होंगे वो बर्बाद होंगे, याद रखना। खवारिश की मिसाल देखिए, सहाबा के जमाने में खवारिश थे, सहाबा सारे उलमा थे नहीं थे? जल्दी जल्दी बोलिए, सहाबा रजी अल्लाह अन्हु अजमईन उलमा थे। खवारिश उनसे दूर रहे, इल्म से दूर रहे, इल्म नबूवत से दूर रहे, अदब नहीं किया, एहतराम नहीं किया। उसके अलावा कुछ लोग थे जिन्होंने इल्म की कदर की, उलमा सहाबा रजी अल्लाह अन्हु अजमईन की कदर की, उनकी सोहबत में रहे, सीखा समझा दी इनको, ताबईन बन गए, दूर रहे खवारिज बन गए, दूर होकर खवारिज बने। हमारे पास खारिजों के नाम आते हैं और ताबईन के भी नाम आते हैं। दौर देखिए, पीरियड देखिए, सहाबा का जमाना है रज़ी अल्लाह अन्हु। क्यों ये लोग खवारिज बन गए, बर्बाद हो गए, गुमराही का शिकार हो गए, इल्म से दूर हुए, उलमा की सोहबत छोड़ा, इसलिए बर्बाद हो गए। जो उलमा की सोहबत में रह गए, आज उनका नाम हम दुआओं के साथ इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शोबा रहमतुल्लाह, इमाम सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह, अकवाल नकल करते उनके, ताबईन के हम, ताबईन। अल्लाह अकबर, उलमा से दूर नहीं होना। एक वाकया है, इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह ने शरह एतकाद अहले सुन्नत वल जमा में एक वाकया नकल किया। एक शख्स था सुफियान बिन अब्दुल्ला या अब्दुल्ला बिन सुफियान, एक आलिम के दर्स में बैठता था। कौन आलिम? इमाम क्या है वो जो ख्वाबों की ताबीर जिनकी मशहूर, इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठता था वो। उसके बाद छोड़ दिया दर्स, बाल लोग होते ना पहले बैठते शेख के दर्स में, महीना दो महीना एक साल, उसके बाद वो एज बात हम बोल रहे हैं ना, कोई नई बात नहीं है, नई बात होना मतलब कुरान में जो है वो नहीं होना, हदीस में भी नहीं, नई बात लाना। वो जब ब्रदर लाते नई बात कुछ, इनको चप चप तकरीर होना, साइंस की कुछ बातें होना, सूरज इधर से निकल गया ऐसा होता वैसा होता, तारे सितारे ये बताओ ना, कल अल्लाह कल रसूल नहीं चाहिए। बहरहाल छोड़ दिया उन्हें दर्स, छोड़ के क्या किया, रहने लगा। ख्वाब आया एक उसको, क्या ख्वाब आया सुनिए ख्वाब। वो ख्वाब में देखता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में शरीक है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा जा रहा है उसमें वो शरीक है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसा ख्वाब है भाई। सुबह उठा परेशान होकर, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा जा रहा है, मैं उसमें हूँ शरीक, जनाजे में हूँ मैं, लोग लेकर जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा, मैं भी हूँ उसमें। यह कैसा ख्वाब था? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पूछे उसको, अपनी हालत बताओ ज़रा, पूछना पड़ता ना क्या है, उठ रहे बैठ रहे किसके साथ, कहाँ जा रहे हैं किसके पास। तो उसने अपनी हालत बताई, पहले मैं इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया दर्स, आलिम को छोड़ा, मौलाना को छोड़ा, छोड़ के मुतज़िला के साथ उठना बैठना शुरू किया मैं। मुतज़िला गुमराह फिरके का नाम है। तो इसका ये सुनने के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं, सुनो तुम्हारे ख्वाब की तफसीर ताबीर ये है कि तुम एक ऐसी कौम का साथ दे रहे हो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को जिंदा दफन करना चाहती है। मुतज़िला, ये ऐसी कौम का तुम साथ दे रहे हो जो नबी सल्लम की लाए हुए दीन को, शरीयत इस्लामिया को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं, उनका तुम साथ दे रहे हो। उलमा से दूर होने का नुकसान है, लिहाजा कभी उलमा से दूर मत होइए, उलमा का अदब कीजिए, उलमा की सोहबत में रहिए, इल्म की कदर कीजिए और उलमा से इल्म हासिल कीजिए। पेट में दर्द हो तो इंजीनियर के पास जाना जाइए, जो ब्रदर्स को सुनो उनको बोला सुनो पेट में दर्द हो रहा, चलो आओ इंजीनियर साहब जरा बताओ इनको पेट में दर्द हो रहा है, और यहाँ कहाँ लाया भैया को ना डॉक्टर के पास, अरे क्यों डॉक्टर, इनो देखो कैसे कितने पैर दिख रहे हैं, देखो और देखो इन्हों कितना अच्छा बोलते, देखो टंग पावर है इनके पास, डॉक्टर होना अजीब है।
नल खराब हो गया तो किसको बुलाते? अजीब मसला है भाई, दीन में बात समझ में नहीं आती। कब तक नहीं समझ में आएगी आखिर? कहां कहां बोलेंगे? हर जगह बोलना पड़ रहा है। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। समझो अल्लाह के बंदो, समझो अल्लाह से डरो। ओलमा ओलमा ओलमा, बस जो आलिम नहीं है नहीं चाहिए बाबा हमको। वो तुम जो हो अपने घर में बैठो रहो, हमको नहीं चाहिए। हमको हमको नल का प्रॉब्लम है, तुम किसको लेकर आए? कारपेंटर को क्यों लेकर आए गए? कारपेंटर क्या करेगा, ये नल कैसे ठीक करेगा? नल ठीक करने के लिए नल वाले को बुलाते, क्या बोलते उसको, प्लम्बर। प्लम्बर जब दीन की बात हो तो कोई भी आ जाए, दे देते माइक उठा के उसको। मेंबर कहां है? ये है मेंबर, किधर गया? पीछे है। अच्छा ऊपर है। मेंबर में किसको बिठाना? मेंबर है रसूल है, उलमा को बिठाइए। उलमा को, ब्रदर्स सिस्टर्स अंकल्स आंटीज क्या है भैया, जिसका कोई उस्ताद नहीं कुछ नहीं, अल्लाह से डरिए। उलमा का अदब क्या? उलमा खत्म हो गए, मर गए, पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया में कोई भी आलिम नहीं है। इल्म उलमा से हासिल किया जाएगा। नबी सल्लम साहबा, देखिए जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लम को सिखाए, नबी सल्लम साहबा को सिखाए, साहबा ताबेन को सिखाए, ताबेन तबे ताबेन को सिखाए। ये है सिलसिला। एक मिसाल देता हूँ, समझे, एक आदमी, क्या ये कौन सा एरिया है मस्जिद खलीफा में? आटी नगर। हाँ आटी नगर मशहूर है। हो ये वही है, एक आटी नगर में एक साहब थे। वो साहब क्या किए कि बेटे, एक साहब थे, उनका एक बेटा था, समझो ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, समझ। बोले कि मेरे बेटे, मुझे बहुत ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले तुमको डॉक्टर बनना देखना चाहता हूँ। नहीं अब्बा, मेरे को डॉक्टर का शौक नहीं है। नहीं बेटे बन जा डॉक्टर, पैसों की कोई कमी नहीं है, जहाँ पढ़ता पढ़, जो कॉलेज में बोलता मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाता हूँ। नहीं मैं नहीं पढ़ता। अब बाप मुसलसल बोलता रहा, बेटे को समझ नहीं आया, बेटे मैं मरने से पहले, आंख बंद होने से पहले देखना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर बन जाए तो। बहरहाल बच्चा बोला अच्छा ठीक है डॉक्टर बनता, मैं इधर उधर नहीं जाता, मैं कहीं भी रहते ना बस बच्चे। अच्छा ठीक है, किताबा ला के दीजिए आप, मैं सेल्फ स्टडीज करता हूँ। क्या करता हूँ? ठीक है बेटे, बोल कौन से किताबा होना। इधर गया उधर गया, इंडिया में जितने थे गया, उधर बाहर गया, कंट्रीज में पूरे मेडिकल साइंस के बुक्स ला के दिया। बेटे अब कितने साल होना पढ़ने? एक 10 साल होना बाबा, 10 साल पढ़ता। हाँ 10 साल पढ़ता हूँ, उसके बाद डॉक्टर बन जाता हूँ। ठीक है मैं देखना चाह रहा हूँ आरटी नगर में एक बड़ा क्लिनिक तेरे नाम का, मरने से पहले डॉक्टर हिदायतुल्ला। कोई है तो नाराज नहीं होना भाई, मिसाल दे रहा हूँ डॉक्टर हिदायतुल्ला बोल के, पीछे का नाम हिदायतुल्ला था समझो। मैं बोला हाँ पढ़ता हूँ, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना 10 साल में, ये कर वो कर, नहीं बोलना, छोड़ देना मेरे को, मैं पढ़ लेता हूँ पूरा, पी ले तुम भुकू। लाए किताबा ला के दे दिए, भाव को ख्वाहिश रहती, होती ना मेरा बच्चा डॉक्टर बनना, मेरा बच्चा हाफिज होना, लोगों को कहता मेरा बच्चा आलिम होना, इंजीनियर होना। आजकल डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा बोलते हैं लेकिन आलिम कम है। बहरहाल तो उन्हें लाए दे दिए, 10 साल तक पढ़ा 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 पढ़ा, उठाया पढ़ा साइंस, अच्छा पेट में दर्द, सर में दर्द, पढ़ा सब जो जो पढ़ना है पढ़ लिया, सेल्फ स्टडीज बोल तो मालूम ना, पढ़ लिया। क्या हुआ बेटे 10 साल खत्म हो गए? बन गया। हाँ पूरा पढ़ लिया, अब क्या है? डॉक्टर बन गया, माशाल्लाह बेटा मेरा डॉक्टर बन गया। अब क्या? क्लिनिक खोलो, आरटी नगर में एक जगह लिया जबरदस्त, पैसे बहुत थे माशाल्लाह। क्लिनिक ओपनिंग, डॉक्टर हिदायतुल्ला। अब नीचे होना ना हिदायतुल्ला के आगे 10 ईयर्स सेल्फ स्टडीज। अब आपका नाम क्या है? नवीद भाई, अल्लाह आपको सेहत दे। बच्चा है? शादी हुई नहीं? बच्चा है। आपके बच्चे को सर में दर्द हुआ तो डॉक्टर हिदायतुल्ला के पास लेके जाते? नहीं लेके जाते? नहीं नहीं बोलिए आप, लेके जाते हैं? नहीं नहीं मेरा सवाल है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ पॉइंट पे पहुँचा। आप अपने बेटे को नवीद भाई डॉक्टर हिदायतुल्ला 10 ईयर्स सेल्फ स्टडीज के पास लेके जाते? सर में दर्द भाई लेके जाइए, 10 ईयर्स पढ़ा, किताबें पढ़ा भाई, क्लिनिक ओपन हो गई। क्यों? अच्छा इन्होंने लेके जाते, आप लेके जाते? सर में दर्द को नहीं लेके जाते, गुस्सा नहीं होना, सर में दर्द को नहीं लेके जा रहे, क्या करेंगे उन्हें 10 ईयर्स पढ़ने वाला, पेट के दर्द की दवा देंगे? इतना छो सकता ना, सर के दर्द की जगह पेट के दर्द, गड़बड़ होंगी। आलिम से इल्म नहीं हासिल किए तो जिसके पास इल्म नहीं है जहन्नम का रास्ता दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसको नहीं मालूम है सही गलत क्या है, हक व बातिल नहीं क्या है, आयत का मतलब क्या है, आयत मनसूख है नहीं है, आयत का हुक्म क्या है, आयत आम है खास है, बहुत सारे उसूल हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने बेटे को, अभी नवीद साहब बोल रहे हैं सामने है देखो लोग, नवीद साहब बोल रहे हैं मैं इस सेल्फ स्टडीज डॉक्टर 10 ईयर्स वाले के पास अपने बेटे के दर्द के इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आखिरत के मसले मसाइल है, जन्नत और जहन्नम के मसले मसाइल है, कबूल और रद्द का मसला है, सुन्नत और बिदअत के मसाइल है, मनहज और गैर मनहज के मसाइल हैं, कैसे आप लेके चले जा रहे हैं अपने दीन को लेकर? अल्लाह से डरने की ज़रूरत है, इल्म उलमा से हासिल किया जाएगा, यही उसूल है, यही तरीका है। अब
इधर उधर की बातों में मत पड़िए, उलमा की कदर कीजिए, इल्म का एहतराम कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। मेरे बोलने का मतलब खुलासा ये, पूरे आलिम तो नहीं बनेंगे आप, उतना इल्म क्या है, इल्म एक होता फर्द ऐन, एक फर्द किफाया, बहरहाल उसकी तफसील। इतना इल्म हासिल करना मेरे हम में से हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि जिस इल्म की बुनियाद पर वो अल्लाह ताला की सही इबादत कर सके, बस अपने आप को जहन्नम से बचा सके, जन्नत में दाखिल। इतना इल्म ज़रूरी है। आप मीरास के मसाइल, बुयू है ना, तिजारत के मसले मसाइल आपको वाजिब नहीं है सीखना, लेकिन इतना सीख। अब जैसे नमाज पढ़ना है, तहारत के मसाइल हैं, वजू किससे टूटता नहीं टूटता, गाली दियो तो कुल्ली कर लेना जाके, इल्म नहीं है, अरे गाली दे रहा मुझसे कुल्ली करा, वजू टूट गया, टूट गया वजू। गाली देना हराम गुना, क्या हर गुना से वजू टूटता? अजीब, नवाकिद वजू में है वो नहीं है। मसले मसाइल वजू, नवाकिद वजू, सलाह, सलाह के अहकाम, नमाज के, रमज़ान आता रोज़े के अहकाम, ज़कात अगर आप पर वाजिब है तो उसे सीखना ज़रूरी हो गया, हज करने निकलने का इरादा है तो हज के मसले मसाइल को सीखना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। इतना इल्म हासिल कीजिए, उलमा मौजूद हैं, उलमा की कदर कीजिए, उनसे रब्त में रहिए, ताल्लुक़ कायम कीजिए, उनका अदब कीजिए और उनसे इल्म हासिल कीजिए और अल्लाह के वास्ते दीन को समझने की कोशिश कीजिए। सही नहीं समझेंगे तो खवारिज का मुर्जिया, कदरिया, जहमिया, ये सब क्या है, सही नहीं समझे, प्रॉब्लम यह है। आज उलमाए रब्बानीन, रासिकीन फिल इल्म, पुख्ता उलमा जो होते हैं दीन को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनसे इल्म लेंगे तो सही इल्म, मुकम्मल इल्म मिलेगा जिससे आपको फायदा होगा। वरना ऐसी सतही अगर इल्म हासिल किया जाएगा तो फिर आदमी जो है किसी को कुछ किसी को कुछ समझे। अब देखिए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल को उन्होंने जो है जायज़ करार दे दिया, इल्म की कमी का, तफक्कुह फिद दीन की कमी, दीन को नहीं समझने का नुकसान था। लिहाजा दीन को समझना बहुत ज़रूरी है, दीन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक छोटी सी मिसाल देकर मैं बात को ख़त्म करता हूँ। खतीब साहब ने खुतबे में कहा, आदिल 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 इन अल्लाह यामुरु बिल आदिल, अल्लाह का आदिल, अक्सितु आदिल का हुक्म है ना, आदिल यानी इंसाफ। अब आदिल का मतलब क्या है, मसावात है? नहीं, मसावात बराबरी, आदिल का मतलब मसावात नहीं है। आदिल का मतलब क्या है, हर एक को उसका हक देना। आप जानवर खरीद के लेके आए, बकरी, अच्छा उससे पहले सर, वो जानवर से पहले मिसाल, खुतबे में अदल का खुतबा दिया गया, खतीब साहब ने आपको कहा भाई अदल की अहमियत है, इंसाफ करना, इंसाफ करना, इंसाफ लफ्ज अदल, ठीक है, अदल का मतलब क्या, आप समझे बराबरी, जबकि बराबरी मतलब नहीं है अदल का। अदल का मतलब है हर साहेब हक को उसका हक, बेटे को उसका हक, बेटी को उसका, बीवी सास अम्मा पर, ये अदल है। मसावात क्या है, माँ बेटी बराबर बराबर, माँ सास, माँ बीवी, अम्मा बीवी बराबर बराबर। साड़ी लेके आए या कुर्ता पजामा लेके आए, 100 रुपये का 100 रुपये का, मसावात ही है। मसावात जुल्म है, अदल में जुल्म है, हर एक को उसका हक देना। समझेंगे नहीं तो गड़बड़ ऐसी होगी, और गड़बड़ कैसी होगी, खुतबा खतीब साहब दे दिए अदल पर, आप क्या समझे, अदल का मतलब इंसाफ करना, इंसाफ का मतलब सबको एक नजर से देखना, बराबरी। गए मार्केट जाके एक बकरी लेके आए, एक शेर लेके आए, बकरी को बांध दिया, शेर को बांध दिया, अरे दोनों भूखे हो गए होंगे, अब क्या करना, जाके खूब घास लेके आए, बकरी के सामने रखे, खा, तू भूखी बहुत है, खा ले, बेचारी भूखी थी, खाना शुरू कर दी, शेर के पास जाके घास रखे, तू भी बहुत भूखा हो गया होगा, खा। उन्हें पलट के देखा समझा रहा हूँ, उन्हें बोला ये क्या है, बोला तू भूखा नहीं है, हाँ हूँ मैं। फिर खतीब साहब जुमे का खुतबा सुना मैं पूरा शुरू से, आज अदल 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 बहुत बोले उन्होंने, आयता हदीसा सुना दी अदल पे, और अदल मैं समझ गया, अल्लाह इतना अदल का है, इसका मतलब बराबरी। शेर बोला भाई तू समझा नहीं अदल, ये अदल नहीं है भाई, मैं घास नहीं खाता, मुझे गोश्त चाहिए, नहीं उसको घास तेरे को भी बराबरी, मसावात कहते नवीद भाई, अरे अदल नहीं, जा शेर बोल रहा है काम कर, खुतबा होगा ना, खतीब साहब यहीं से जाके उनसे पूछ अदल का मतलब क्या है, बराबरी। अरे नहीं होती बराबरी, ये घास घास नहीं हो सकता, 2 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा है आपका, जो 2 साल के बच्चे को रिक्वायरमेंट है वही 20 साल का रिक्वायरमेंट है, अदल ये नहीं है, अदल ये है कि 2 साल का बच्चा, उसको 2 साल की जरूरत, उसको दूध चाहिए दूध दीजिए, चावल नहीं खाता उन्हें, 20 साल के बच्चे को चावल, तू भी शीशी भी दूध भी, और वैसे ही शेर के सामने घास रखे, अरे उसका उसका हक उसको दीजिए, बकरी का हक बकरी को दीजिए, इसको बोलते समझना दीन को, नहीं समझेंगे तो ये गड़बड़ होती है ऐसी।
एक मिसाल समझ में आ गई। अब दीन को कौन समझाते हैं? उलमा, क्योंकि वो लोग समझे जाके बैठे हसीरों पे, अहले इल्म की सोहबत में रहे, इल्म सीखे, तफक्कुह फी दीन आया, वो आकर आपको समझाएंगे नहीं ये ऐसा 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 ऐसा। लिहाजा उलमा की सोहबत में रहिए, इल्म को समझिए, दीन को समझने की कोशिश कीजिए। आज एक बड़ा प्रॉब्लम उम्मत का क्या है आपको मालूम? दीन नहीं समझे। नॉलेज होना एक अलग चीज है, दीन की अंडरस्टैंडिंग दीन जो उलमा की सोहबत से आता है मदरसों में, या मदरसों से निकले हुए उलमा की सोहबत में, या अहले इल्म गवाही दें कि हां ये शख्स दीन को समझ चुका है, आप इनसे दीन को समझ सकते हैं, जैसा कि इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैहि ने सामने इसको जिक्र किया है। लेकिन जो इंसान ना मदरसा गया, इल्म हासिल किया, ना उसका कोई उस्ताद, ना उसने उसके बारे में उस दौर के उलमा की कोई गवाही है, शहादत है, दीन भी नहीं है उसके पास, फिर कैसे लेंगे उससे इल्म? वही सेल्फ स्टडीज वाला मसला हो जाएगा जो डॉक्टर हिदायतुल्लाह की मिसाल मैंने आपको दी थी। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म की अहमियत और उसकी ज़रूरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। इल्म हासिल कीजिए, मुश्किल नहीं है, इल्म के लिए कोई उम्र नहीं होती। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कब तक इल्म हासिल करोगे? कहा कब्र में जाने तक इल्म हासिल करूंगा। इल्म हासिल कीजिए, दीन की बेसिक चीज़ों को समझिए, इतना इल्म आप लोग हासिल कीजिए जिससे अल्लाह की सही इबादत कर सकें और जन्नतुल फिरदौस हासिल कर सकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इल्म की कदर करने वाला हम सबको बनाए। अल्लाह अहले इल्म से जुड़े रहने, उनका अदब, उनका एहतराम और उनकी कदर करने वाला हम सबको बना दे। और अल्लाह तबारक व तआला जहालत से हमारी जिंदगी को महफूज रखे, हर किस्म के फितनों से हमारी जिंदगी को महफूज रखे। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, थोड़ा कुछ मिनट माजरत चाहता हूं आप लोगों से। और अल्लाह ताला जजाए खैर दे जिम्मेदार मस्जिद को। उससे पहले सबसे पहले जो हज़रत शेख अब्दुल हसीब जो उमरी मदनी हैं हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने दावत दी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उलमा को जज़ाए खैर दे और ज़िम्मेदारान मस्जिद को जज़ाए खैर दे और साथियों को और आप तमाम को अल्लाह जज़ाए खैर दे जो इतना वक्त आप बैठकर मेरी गुफ्तगू को सुन रहे थे। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।